नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ लेने वाले हैं। पाठ 16 वाह बोलो और जानो। तो मैं कुछ अब चित्र आपको दिखाने वाला हूं, तो आप मुझे उनका मराठी का नाम बताइए। यह चित्र आपके सामने है, ये कौन सा चित्र है? मराठी है में हम इसे पेरू कहते हैं और हम हिंदी में इसे कहते हैं अमरूद। अमरूद का रंग कैसा होता है? अमरूद हरा होता है, पीला होता है। तो मराठी में इसे हम पेरू कहते हैं और हिंदी में हम इसे अमरूद कहकर पुकारते हैं। उसके बाद का चित्र है आपके सामने, ये देखिए चित्र। ये कौन सा चित्र है? बराबर, इसके हम मराठी में क्या कहते हैं? फुगा कहते हैं और हिंदी में हम इसे गुब्बारा कहते हैं। गुब्बारा का रंग कैसा होता है? लाल, पीला, नीला, हरा, हरे रंग, हर रंग का गुब्बारा हो सकता है। उसके बाद अगला चित्र है, देखिए कौन सा चित्र है ये? बराबर, ये इसे हम मराठी में घर कहते हैं और हिंदी में भी इसे घर ही कहा जाता है। तो मराठी और हिंदी दोनों विषय में हम इसे घर कहकर पुकारते हैं, हम घर में रहते हैं, आपको मालूम है। अगला चित्र है, ये देखिए, हाँ कहिए कौन सा चित्र है? बराबर, हम इसे दफ्तर कहते हैं मराठी में और हिंदी में हम इसे कहते हैं बस्ता। बस्ते का रंग कैसा होता है? हर रंग का बस्ता हो सकता है, नीला, लाल, पीला, छोटा बड़ा आकार में बस्ता हो सकता है। अगला चित्र देखिए, अगला चित्र कौन सा है? बराबर, मराठी में हम इसे कहते हैं रोपटे, रोप, और हिंदी में हम इसे कहते हैं बेला। हम वृक्षारोपण करते हैं, उस वक्त हम छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बेला कहते हैं। अगला चित्र देखिए कौन सा है? ये हम सबको पता है, यह है पानी। पानी का चित्र, पानी का उपयोग क्या है हम सब जानते हैं, हम पीने के लिए, नहाने के लिए, घर घर में हर वक्त काम के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। पानी में का कौन सा रंग होता है? पानी का रंग नहीं होता है, हम जो रंग पानी में मिलाते हैं उसी रंग का पानी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला चित्र है, देख लिया कौन सा है? अगला चित्र मराठी में इसे क्या कहते हैं? बाहुली कहते हैं और हिंदी में इसे कहते हैं गुड़िया। क्या कहते हैं? गुड़िया। गुड़िया छोटी छोटी जो बच्चियां होती है, बच्चे होते हैं, वो गुड़िया खेलते हैं और गुड़ियों के साथ छोटे बच्चे बहुत प्यार से खेलते हैं। अगला चित्र देखिए कौन सा है? हाँ, अगला चित्र है और हम उसे मराठी में कुत्रा कहते हैं और हिंदी में उसका नाम है कुत्ता। कुत्ता बहुत ही ईमानदार प्राणी होता है, हम कुत्ते के साथ खेलते हैं, हमारी हमारे घर की रखवाली कुत्ता करता है, बराबर है कि नहीं? ठीक है, अब अगला चित्र हम देखते हैं। ये जो चित्र हम देख रहे हैं उसे हम मराठी में पुस्तक कहते हैं और हिंदी में भी उसको पुस्तक ही कहते हैं। उसका और एक शब्द है, उसको हम किताब कह सकते हैं। तो पुस्तक का उपयोग हम सब जानते हैं कि हम पढ़ने के लिए स्कूल में, हमारी पाठशाला में पढ़ने के लिए पुस्तक का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला चित्र देखिए। अगला चित्र है हवाई जहाज, हिंदी में हम उसे हवाई जहाज कहते हैं, मराठी में हम उसे विमान कहते हैं। विमान हमने देखा है, हम सभी ने देखा है, आकाश में से उड़कर जाता है विमान, हम सब नीचे से देखते हैं, है कि नहीं? तो ये विमान है, लेकिन हिंदी में हम इसे हवाई जहाज बुलाते हैं, कहते हैं। अगला चित्र देखिए, अगला चित्र है कलम का, कलम, मराठी में हम उसे लेखनी कहते हैं और हम लेखनी की बजाय इंग्लिश में उसे पेन कहते हैं और हम अब बोलते समय पेन ही कहते हैं, हिंदी में उसका शब्द है कलम, हम कलम बोलते हैं। तो कलम का जो उपयोग है, हम पढ़ाई करते वक्त लिखने के लिए कलम का उपयोग करते हैं। उसके बाद है अगला चित्र उड़न तस्करी। ये चित्र जो देख रहे हैं आप, वो है उड़न तस्करी। उड़न तस्करी क्या होती है? जो आसमान से तबगड़ी, मराठी में उसे तबगड़ी कहते हैं, आसमान से जो परग्रह के लोग होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, हम मराठी में उसे तबगड़ी कहते हैं
और हिंदी में उसे उड़न तस्करी कहा जाता है। अगला चित्र आप देखिए, ये चित्र है मराठी में क्या कहते हैं इसे, मिशी कहते हैं मिशी, और हिंदी में उसे मूछ कहा जाता है। ठीक है, अगला चित्र आप देखिए, हम मराठी में इस चित्र को क्या कहेंगे, बराबर है मराठी में इस चित्र को हम शाला कहते हैं शाला, और हिंदी में इसे विद्यालय कहा जाता है। हम सभी विद्यालय में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, ये वो चित्र है। उसके बाद और एक चित्र है, उसे मराठी में क्या कहते हैं, चित्र को देखो और पहचानो क्या कहते हैं, बराबर है उसे हम झुरल कहते हैं, और हिंदी में उसे कहा जाता है तिलचट्टा। तो आज आपने यहाँ पर जो मैंने चित्र दिखाए उसके सभी नाम याद रखना, और इसके साथ साथ मैंने अभी जो आपको चित्र दिखाए उसमें से कौन से ऐसे नाम है जो मराठी में भी और हिंदी में भी दोनों में भी समान है, बता सकते हैं ऐसे कौन कौन से नाम है? हाँ बराबर है, तो पहला है घर, हिंदी में और मराठी में दोनों में भी हम क्या कहते हैं, घर को घर ही कहते हैं। उसके बाद है पानी, पानी में थोड़ी सी विषमता है, हिंदी में पानी कहा जाता है और मराठी में पानी कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे और कौन कौन से शब्द हैं जो हिंदी में और मराठी में एक ही प्रकार के होते हैं, ये क्या करना है आपको, एक यादी तैयार करना है आपने कि अपने वही में क्या करना है, एक यादी तैयार करना है और हिंदी के और मराठी के समान कौन से शब्द हैं उसे उसे लिखना है। ठीक है।